वी आर गोइंग टू स्टडी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है पैरामीशियम के अंदर, इट टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन इज डिफाइंड एज द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इन टू टू न्यू बॉडीज. बाइनरी फिजन जो है ये एक ऐसा ए सेक्शुअल मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर एक पेरेंट बॉडी होती है और उसकी डिवीजन होती है और उससे दो न्यू बॉडीज बन जाती हैं. सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. अब यहाँ पर हमने पैरामीशियम के अंदर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन को स्टडी करना है. तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर इसकी डिवीजन होगी. ये जो डायरेक्शन होती है इस तरह, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन. दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन. और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन की जो बाइनरी फिजन होती है ये पैरामीशियम के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर यहाँ से इसकी डिवीजन स्टार्ट होगी, इस तरह ट्रांसवर्सली डिवीजन होगी. तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ये एक पैरामीशियम बॉडी है. तो यहाँ पर इसके पास ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिस इज मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस. एंड दिस इज अ माइक्रोन्यूक्लियस. टू टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम के अंदर. एक लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस होता है, एक स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस होता है. तो ये है मैक्रोन्यूक्लियस और ये है माइक्रोन्यूक्लियस. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं इनके दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर साइड पर भी और पोस्टीरियर साइड पर भी. तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है. और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑरल ग्रूव. ये इनका ऑरल ग्रूव होता है जिधर से इन्होंने फीडिंग करनी होती है. तो ये है पैरामीशियम की बॉडी. अब हम देखते हैं कि इसकी बाइनरी फ्यूजन कैसी होती है. सबसे पहले क्या होता है कि जो पैरामीशियम है इसके अंदर जो लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस है उनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है. तो यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो चुकी है. और जो माइक्रोन्यूक्लियस है इट डिवाइड्स माइटोटिकली. माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये माइटोटिकली डिवाइड करता है और मैक्रोन्यूक्लियस जो है इट डिवाइड्स ए माइटोटिकली. और मैक्रोन्यूक्लियस जो है ए माइटोटिकली डिवाइड करता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोटिकली एंड ए माइटोटिकली? माइटोटिकली का मतलब यह है कि जैसे जो माइटोसिस है एक स्फेयर फेज ऑफ डिवीजन है, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी रेप्लिकेशन भी होती है, और एक वो स्फेयर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है डिवीजन का. और लेकिन जो मैक्रोन्यूक्लियस हैं ये ए माइटोटिकली डिवाइड करते हैं. और ए माइटोटिकली का मतलब होता है कि ये जो डिवीजन होती है ये सिंपल क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस की डिवीजन होती है. इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिंपल क्लीवेज होती है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट नहीं करते, बस सिंपली जो यहाँ से क्लीवेज हो जाती है इस जगह से, ठीक है. तो इसके अंदर जो ए माइटोटिक डिवीजन होती है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होती, यहाँ पर सिंपल क्लीवेज होती है. और यहाँ जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी रेप्लिकेट करता है. तो ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर. जो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट करेगा, और मैक्रोन्यूक्लियस है जो होता है उसके अंदर सिंपल क्लीवेज होगी. तो इस तरह ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस, इनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है सेकंड स्टेप के अंदर. और इसके साथ ओरल ग्रूव डिसअपीयरिंग, और जो ओरल ग्रूव होता है इनका जो माउथ पार्ट होता है यहाँ पर इस जगह पर वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पर जो माउथ पार्ट है वो कम्प्लीटली सेकेंड स्टेप के अंदर डिसअपीयर हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप के अंदर चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप में जो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस हैं दे आर स्टिल डिवाइडिंग, अभी भी वो डिवाइड कर रहे हैं. और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑरल ग्रूव, और थर्ड स्टेप के अंदर न्यू ऑरल ग्रूव की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. एक ऑरल ग्रूव यहाँ पर बनता है इस जगह पर, दूसरा ऑरल ग्रूव जो है वो इस जगह पर बन जाता है. तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑरल ग्रूव. नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो माइक्रोन्यूक्लियस है और मैक्रोन्यूक्लियस है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं. यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं. और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसकी भी डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी स्टार्ट हो चुकी है. और न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके हैं. और ये जो डिवीजन है दिस इज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो भी स्टार्ट हो चुकी है. और इसके अलावा इस पॉइंट के अंदर क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है इस साइड पर. मैंने ये बताया कि जो पैरामीशियम होते हैं इनकी दोनों साइड पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, इधर भी और इधर भी. तो जब इनकी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी तो जो इस साइड वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो दोबारा से न्यू बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होनी है. न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो इस जगह पर बनना स्टार्ट हो जाएगा फोर्थ स्टेप के अंदर. नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है,
कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो है वो कम्प्लीटली बन चुका होता है, साइटोप्लाज्म जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुके होते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट स्टेप है इसके अंदर क्या बनते हैं, टू डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं, रिजल्ट के अंदर टू डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं, जिनकी जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी कम्प्लीट हो चुकी है, और इनके पास दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, इनके पास मैक्रोन्यूक्लियस भी है, माइक्रोन्यूक्लियस भी है, और ये दो बॉडीज बन जाती हैं फ्रॉम अ सिंगल पैरामीशियम, एक सिंगल पैरामीशियम से दो डॉटर पैरामीशियम जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन।